नमस्कार, मैं सुनील भारद्वाज गुरुजी योगा चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो हमारी आसनों की सीरीज चली हुई है, उसमें हमने तीन प्रकार से किए जाने वाले आसन कर चुके हैं, खड़े होने वाले आसन, उसके बाद बैठने वाले और कमर के बल। आज हम बात करते हैं पेट के बल किए जाने वाले आसनों की। तो कुछ महत्वपूर्ण आसन हैं, उनके बारे में अभी आपको विधि, सावधानियाँ और लाभ साथ साथ में आपको बताए जाएंगे। तो उन आसनों में सबसे पहले हम बात करते हैं भुजंग आसन की। तो भुजंग आसन के लिए पैरों को सीधा करें, आप पेट के बल आ जाएंगे। भुजंग, भुजंग का अर्थ होता है सर्प। तो इस प्रकार से पीछे से दोनों पैरों को आप सपाट कर लें, पैर पीछे से मिले हुए आपके, दोनों हाथ आपके बगल में रहेंगे। आप श्वास भरते हुए आप कमर को आगे से उठा देंगे, आधी कोनी आपकी खुली रहेंगी, दृष्टि आपकी दोनों भौहों के मध्य है। कमर पे पड़ रहे दबाव को आप महसूस करें। यह आपका भुजंग आसन, इसको अपनी क्षमता अनुसार आप बढ़ा के 1 मिनट 2 मिनट 2-3 राउंड आप इसमें ले सकते हैं। अभी डेमोंस्ट्रेशन की दृष्टि से मैंने ये आपको अभ्यास दिखाया। ये अभ्यास आपके कमर के लिए, खासकर जो स्लिप डिस्क है, साइटिका है, उनके लिए सर्वोत्तम अभ्यासों में से एक। इसके अलावा ये अभ्यास आपकी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, दमा है, ब्रोंकाइटिस है, उन सभी के लिए भी ये अभ्यास काफ़ी लाभकारी। कमर इसे आपकी लचीली बनती है। अब पेट के बल वालों में ही दूसरा जो अभ्यास है आपका, वो हम करेंगे शलभासन। शलभासन के लिए सावधानी हम देख लें, जो हृदय रोगी हैं, बीपी हाई है, तो वो इस अभ्यास को नहीं करेंगे, क्योंकि पहले भी मैंने जैसे बताया, जहां आगे का हिस्सा नीचे और पीछे का हिस्सा जब ऊपर उठता है, पैर ऊपर उठते हैं, तो उन सभी में ये सावधानी रखनी चाहिए, वो बीपी हाई और हृदय रोगी वालों को। बाकी सभी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों हाथ आपके थाइज के नीचे, थोड़ी आपकी ज़मीन पर, और श्वास भरते हुए पीछे से दोनों पैरों को उठा देंगे। जितना आप उठा पाएं उतना आप पैरों को उठाएं, दृष्टि आपके सामने रहेगी, और होल्ड करें। धीरे धीरे वापस इसको भी आप 30 सेकंड से 1 मिनट 2 मिनट तक आप इसका समय बढ़ा सकते हैं। तो ये जो अभ्यास हमने अभी किया, शलभासन किया, यह अभ्यास स्लिप डिस्क और साइटिका के रोगियों के लिए रामबाण है, सर्वोत्तम अभ्यास है ये। उन पेशेंट्स को बार बार करना चाहिए, इसके राउंड लेने चाहिए, एक एक पैर से, फिर दोनों पैर से। आने वाले जो वीडियो रहेंगे स्पेशल, वो भी इस टॉपिक को लेकर बनाए भी जाएंगे, स्लिप डिस्क है जैसे, साइटिका है, तो किस प्रकार के अभ्यास वो किए जाएँ। तो यह अभ्यास अब स्लिप डिस्क, साइटिका के लिए सर्वोत्तम अभ्यास है, कमर को लचीला बनाता है, और आपकी गर्दन है, लंग्स है, इनकी कैपेसिटी को भी बढ़ाता है। अभी नेक्स्ट जो अभ्यास हमारा रहेगा, जो पेट के बल लेट के किए जाने वाले जो अभ्यास हैं, विपरीत नौकासन हमारा रहेगा। इस प्रकार से दोनों हाथों को सामने आप फैला लें, दोनों पैरों को पीछे से खींच दें, श्वास भरते हुए आप आगे से दोनों हाथों को उठाएंगे और पीछे से दोनों पैरों को उठा लेंगे। इस प्रकार से यह अभ्यास विपरीत नौकासन। वापिस यह अभ्यास आपकी पेट की एक्स्ट्रा चर्बी को ही कम करता है, आपकी थाइज की या नितंबों की बढ़ी हुई चर्बी को कम करके शरीर की शेप को सुंदर करता है, और जिनको कंपन होती है हाथों में, पैरों में, उनको इसका अभ्यास करें तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल ये अभ्यास है। तो अभी हम कर रहे हैं पेट के बल लेटने वाले अभ्यास, उन्हीं में से जो अगला अभ्यास हमारा रहेगा मयूरासन। तो मयूरासन ये थोड़ा सा हार्ड आसनों के अंतर्गत आता है, तो जब आप अभ्यस्त हो जाएं पहले वाले आसनों में, तब आप इसका अभ्यास करें। सावधानी के रूप में आप विशेष तौर पर ध्यान रखें, जिनको पेट में सर्जरी हो रखी है,
और पे अल्सर है आपको, तो वो इस प्रकार के जितने भी कोई पेशेंट हैं तो वो इस अभ्यास को नहीं करेंगे, या जिनकी अस्थियां कमज़ोर हैं वो भी इस अभ्यास को ना करें। अभी किस प्रकार से करेंगे देखिए, इस प्रकार से आपने ये पोजीशन ली, इसमें अंगूठों को आप आगे भी कर सकते हैं और पीछे की साइड से भी, जिस प्रकार से आपका बैलेंस बने वैसे ही आप करें। पैरों को आपने पीछे की तरफ सीधा कर दिया, दोनों कोहनियों को पेट में लगा लिया और बैलेंस बनाते हुए इस प्रकार से ये आपका मयूरासन। मयूरासन ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए सर्वोत्तम आसन है। शास्त्रों में इसका वर्णन करते हुए कहा गया है कि अगर आप विष को भी खा जाते हैं तो उसको भी पचाने में ये सक्षम है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए इससे कोई अच्छा आसन नहीं है। इसके अलावा पेट की जो एक्स्ट्रा चर्बी है वो आपकी इससे कम होती है, मसल्स जो हाथों की वो आपकी मजबूत होती हैं और चेहरे पे ग्लो आता है। तो इस प्रकार से आपका मयूरासन। अभी हम अभ्यास जो कर रहे हैं उन्हीं में जो अगला अभ्यास है, वैसे तो जो अभ्यास मैं अभी मैंने जो पीछे किया मयूरासन और जो अभी मैं करने वाला हूँ बकासन, वैसे तो बैलेंसिंग पोज के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये दो तीन आसन थे तो मैंने इनको भी इसी वीडियो के अंतर्गत डाल दिया है। तो ये अभी हम करेंगे बकासन। बकासन में सावधानी के रूप में आप ध्यान रखेंगे कि जिनकी अस्थियाँ कमज़ोर हैं वो ना करें, जिसको बीपी हाई है, हृदय रोगी हैं वो ना करें, बाकी सभी इसको अभ्यास को कर सकते हैं। किस प्रकार से करेंगे एक बार देखेंगे। इस प्रकार से दोनों हाथों को आप कंधों के बराबर आप सामने आप जमा लें, उसके बाद दोनों पैरों को उठाएं, उठाते हुए पीछे से पैरों को भी जमा लें और अपने घुटनों को अपने आरंभ पीठ पे जितना ऊपर लगा सकते हैं उतना लगाएं, लगा करके हाथों से बैलेंस बनाते हुए पीछे से पंजों को उठा दें, कोहनियां सीधी कर दें और सामने देखें। धीरे से वापस इस अभ्यास को आप बढ़ा भी सकते हैं, अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं। यह अभ्यास शरीर में एकाग्रता को बढ़ाता है, आपकी हाथों की मांसपेशियां इससे मजबूत होती हैं, पाचन तंत्र आपका मजबूत होता है, चेहरे पे ग्लो रहता है। तो इस प्रकार से ये अभ्यास हमने किया। अभी नेक्स्ट हम अभ्यास करते हैं शीर्षासन का, हम अभ्यास करेंगे। जो नए हैं बिगिनर हैं वो सीख भी लेंगे किस प्रकार से शीर्षासन किया जाता है। तो शीर्षासन के लिए पहले आप वज्रासन में बैठ जाएं, दोनों हाथों को उठाएं ऊपर से और सामने इस प्रकार से आप रख दें, और जो मेरे साथ साथ अभी कर रहे हैं तो वो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि जहाँ पर पैर ऊपर और सिर नीचे आ जाता है वो हृदय रोगी और बीपी हाई वाले उस अभ्यास को नहीं करेंगे। या स्पेशली शीर्षासन की बात करूँ तो जिसको आँखों में एलर्जी है तो वो भी ना करें, जिसके कान बहते हों वो भी ना करें, बाकी कर सकते हैं चिकित्सक की सलाह से। और प्रारंभ में जब आप इस अभ्यास को करें तो आपके साथ में कोई हो ये अभ्यास करवाने के लिए, आपको सपोर्ट देने के लिए। अब देखिए इस प्रकार से आपने ये पोजीशन ली है, हथेलियों को इस प्रकार से आपने रखा यहाँ पर, पीछे से घुटनों को उठाया, गर्दन को हाथों के पास और पैरों को आगे लेते धीरे धीरे आगे लेके आएंगे और कमर को सीधा कर देंगे। जैसे ही आपकी कमर सीधी हो कोहनियों से बैलेंस बनाएंगे, वजन आपका रुकेगा कोहनियों के सहारे, कोहनियों को आप टाइट करेंगे और धीरे से पहले एक पैर को उठाएंगे फिर दूसरे पैर को उठाएंगे और यहाँ आके आप रोक लेंगे, कोहनियों से कमर से अपने शरीर के वजन को रोकें फिर धीरे धीरे ऊपर उठाएं, पैर के पंजों को पूरा खींचते ऊपर की तरफ
और अभ्यास को रोक के रखें। जैसे गए थे वैसे ही आप वापस आ जाएंगे, वैसे ही वापस हम इस प्रकार से। तो अभी हमने शीर्षासन देखा, जैसे आप शीर्षासन करते हैं शीर्षासन के विपरीत आप ताड़ासन करेंगे, खड़े होकर के उसमें इस प्रकार से आप अपने हाथों को ऊपर की तरफ खींचते हैं। तो दो या तीन बार से आप ये ताड़ासन करेंगे। अगर हम लाभों की बात देखें तो शीर्षासन से क्या बेनिफिट होते हैं, तो जैसे ही आप अपने पैर ऊपर करते हैं और सिर नीचे करते हैं तो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो नीचे की साइड हो जाता है, यानी कि हमारे सिर की साइड हो जाता है, जिसे यहाँ के इस एरिया से रिलेटेड जितने भी हमारे अंग हैं तो उनको प्रचुर मात्रा में ब्लड मिलता है, जिसे नेत्र ज्योति आपकी बढ़ती है, चेहरे आभामंडल जो है चेहरा जो आपका चमक उठता है, जो बाल जो आपके झड़ते हैं तो वो बाल झड़ने बंद हो जाते हैं, समय से पहले जिनके बाल सफ़ेद हो गए हैं तो वो दोबारा से काले होने लगते हैं 6 महीने के अंदर, ऐसा भी हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है। इसके अलावा हमारे लंग्स है, हमारा हृदय है, इन सभी को मेरिस्मेटिस अभ्यास से मिलती है। तो ये एक सर्वोत्तम अभ्यासों में से एक शीर्षासन है। तो अभी जो हमने अभ्यास किए पेट के बल लेटने वाले और कुछ आपको साथ में मैंने ऐड करके इसमें बताए आपके जो बैलेंसिंग पोज थे, तो ये अभ्यास अगर आपको लगता है कि अच्छे हैं, आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचा सकते हैं तो चैनल के साथ जुड़ें, लगता है औरों के लिए उपयोगी हो सकते हैं तो साथ में शेयर भी करें। तो आज के अभ्यास को यहीं मैं समाप्त करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।